ऐसे जुबे गाँव में कितने किया इनको 18 में सर जो मतलब क्या था 7 से 15 में सर तीन लोगों के मकान में मलबा भर गया था सर कितने दिए इनको आपको कितने पैसे मिले अकाउंट में पहुंचे पैसे नहीं जी नहीं जी इतना मैं पूछ रहा हूँ अमाउंट 3,33,000 किस हिसाब से बांटा आपने सर इसमें सर जो डैमेज का सर रिपोर्ट नहीं है सर पहले कहाँ कौन है तहसीलदारी से कहाँ पहुँचा हुआ क्या बुला रहे हैं यार आपको यहाँ पर कहीं नहीं है आप है तहसीलदार कितने कितने घर के अभी ज्वाइन किया और कौन है पटवारी तहसीलदार कौन पटवारी कहाँ भैया बाइस केस में क्या था नुकसान पूरे डैमेज हो गया मकान के अंदर मलबा गया था डैमेज नहीं पूरे पूरे डैमेज नहीं कितने कितने पैसे दिए इनको हमने 1,00,000 रुपये दिया बाघ हो गया इसको 1,00,000 कितने पैसे घर है पार्सल डैमेज है और जो इनके घर में उनको भी कल कितने किसान आपके घर में कितने डैमेज हुए हैं मेरे को बताओ आप हमारा तो जी सारे खत्म हो गया तो पूरा डबरा का पानी अंदर था और खत्म हो गया घर खत्म हो गया देखो कैसे कैसे रिपोर्ट बनाई रिपोर्ट इसमें सिल्ट कितनी गई है उसके बाद गई है लेकिन उससे डैमेज नहीं हुआ अब मंत्री जी बोल रहे यार ये घर ये किसका घर है इसके कईयों के घर के तो बने हैं सर 30 बने हैं 22 केस बने हैं आप इन सबको अभी तुरंत 10,000 दे दिया है अभी 1,00,000 रुपए सबको RTGS करो 90,000 रुपए डाल दो और इसको नोटिफाई करो इसको सुन लो ये कल तक इनको पैसे पहुंचाने चाहिए और इस एरिया को डीसी साहब आप नोटिफाई कर वो भी कर रहे हैं अब समाधान क्या है अठहत्तर से कोई 50 साल हो गए इसको अब इसको मैं थोड़ा समाधान कैसे करेंगे पानी का बारिश का थोड़ा सा मैं समझने दो डिप्टी कमिश्नर को सुनो डिप्टी कमिश्नर को मैं बोलूंगा कि ऐसे समाधान निकलेगा जो हमसे राहत है जो हमसे राहत है जो घर में तुम्हारा खर्चा आया वो मैं पार्शली डैमेज के मैं उसलिए उसकी बात कर रहा हूँ और ये समाधान के लिए हमारे को स्टडी करवाना पड़ेगा पूछना पड़ेगा कि क्यों बार बार होता है और कई औरों ने भी सरकारों ने भी करवाया होगा पर हमें इसका एग्जैक्ट स्टडी करवा के अब जो जियोलॉजिकल सर्वे है वो हम करवाएंगे ठीक है और समाधान बाकी आपको मदद की जो है वो हम कर रहे हैं घर बनाने के लिए भी करेंगे जिसका जाएगा ना अभी आपको ये जो समाधान है ये एकदम नहीं होगा इसलिए इसको अभी अच्छा समाधान के बाद फिर स्टडी कराना पड़ता है कि क्यों आ रहा अब कहीं बादल फट गया तो कोई समाधान उसके आगे नहीं चलेगा तो इस चीज को ना बारिश तेज अब ये अभी तो हम आपको नहीं अभी तो हम आपको राहत तैयार दे अभी आपको हम कुछ राहत देंगे उसके बाद फिर मंत्री जी आपके पास आएंगे और आपके घरों में जो भरोसा और आपको जिसका घर चला गया उसको घर बनाने के लिए हम अलग से पैसा देंगे ये तो है फौरी राहत अब ये समाधान
आप सुनो, आपका मकान बह गया? हाँ जी, आपकी जमीन भी बह गई? हाँ जी, हाँ जी, जमीन तो तकरीबन सभी गई जिमींदर जी, सब की जा रही है। आप भरोसा रखिए, थोड़ा चलो आगे। बुआ जी इधर आना, प्रधान जी और आपकी जो हुई है उसका भी माफ कर दीजिए। हमारी कोई नहीं बात नहीं, खैर जाओ। सर, सिरमौर दौरे को लेकर आज का आपका अभी और नहीं विजिट है, पहली विजिट है जी, आज आप इस बारे में क्या कहेंगे सर? यहाँ आप लोगों के हाल देखे, जो कि 1970 से जी सर ये गांव डेजर्ट होता जा रहा है और इसका कोई परमानेंट समाधान नहीं निकाला